Good morning, my dear students. How are you? I hope all of it is fine and done your work properly. Our fourth chapter is completed now. So today we start our new chapter, chapter number 5, division of numbers. In the last chapter, we done our multiplication of number. But now we start division, how to divide a number by another number. And the terms are used in the division, we discuss here. Okay, so let's start with the meaning of division. Okay, so let's start here. Meaning of division. Division is equal sharing or equal grouping of things. It can be done by repeated subtraction. Okay, beta, dekhe, division kya hota hai? Equal sharing or equal grouping of things. Things ka sharing और ग्रुपिंग कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? इक्वल. देखिए, आई गिव अ एग्जांपल बच्चे. जस्ट लाइक आई हैव अ 20 चॉकलेट्स. ओके, आई हैव 20 चॉकलेट्स. डिस्ट्रीब्यूटेड दैट चॉकलेट इनटू 5 फ्रेंड्स. ओके, 20 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 5 फ्रेंड्स. 20 चॉकलेट्स को हमने 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो बच्चे, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे करेंगे इसको? देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट लाइन है, इट कैन बी डन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हम इसे सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले हम इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करेंगे. देखिए, टोटल चॉकलेट्स हमारे पास कितनी है? 20 हैं. टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं? 20 हैं. और हमारे पास फ्रेंड्स कितने हैं? 5 फ्रेंड्स हैं. देखिए, जब हम इक्वल शेयरिंग करेंगे, 1-1 सभी फ्रेंड्स को देंगे. 5 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स को सभी को 1-1 देंगे, तो इट मींस 5 चॉकलेट चली गई. तो हम कर देंगे 5 माइनस. हमने टर्न वाइज 1-1 चॉकलेट सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फर्स्ट टाइम हमने 5 फ्रेंड्स को 1-1 चॉकलेट दी, तो 5 चॉकलेट लेस होगी. तो 20 में से 5 चली गई, तो कितने माइनस किया, तो हमारे पास जो लेफ्ट चॉकलेट रहेगी वो कितनी होगी? 15. और जो हमने 5 थी वो क्या थी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी. ओके, तो अब हम बच्चे, हमारे पास जो लेफ्ट है चॉकलेट वो कितनी है? अभी 15 है. अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? 15 है, 15 अब हम 5 फ्रेंड्स हैं और 1-1 चॉकलेट देन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो देखिए, नाउ अगेन माइनस 5. हम क्या करेंगे? अगेन माइनस 5 करेंगे. 5 माइनस 5 0 और देन 1, क्योंकि ये 5 चॉकलेट्स हमने अगेन 1-1 फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है. और हमारे पास अब रिमेनिंग चॉकलेट्स कितनी रह गई हैं? 10 रहेगी रिमेनिंग चॉकलेट्स. अभी भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. 10 चॉकलेट्स हैं, तो 10 चॉकलेट्स हैं, तो 1-1 सभी फ्रेंड्स को और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो क्या करेंगे? माइनस 5 कर दिया हमने. देखिए, ये जो हमारे पास 10 चॉकलेट्स रह गई थी, ये लेफ्ट रह गई थी, ये 5 हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है अभी. ओके, अब 10 माइनस 5 5. अब हमारे पास बच्चे, जब लेफ्ट रह गई है वो कितनी रह गई है? 5 चॉकलेट्स रह गई हैं. लेफ्ट कितनी है? 5 हैं. तो अब हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं और फ्रेंड्स भी कितने हैं? 5 हैं. तो अब हम क्या करेंगे? अगेन क्या कर देंगे? माइनस 5 करेंगे. अगेन क्या करेंगे? माइनस 5. तो 5 माइनस 5 0. तो बच्चे देखो, ये कौन से मेथड से हमने किया? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से किया. 1-1 करके हमने अगेन सब्ट्रैक्शन किया और अपने 5 फ्रेंड्स को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया. अब बच्चे, हम इसमें डिवीज़न कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, कितनी बार हमने माइनस किया, इट मींस कितनी बार हमने चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. देखिए, 1 टाइम, 2 टाइम्स, देन 3 एंड देन 4. तो बच्चे, हमने कितनी टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया? 4 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट किया. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर. तो इट मीन्स बच्चे, यहाँ पर हमने 20 चॉकलेट्स 5 फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 4 टाइम्स उसको माइनस किया. हेयर द क्यूशेंट. बच्चे, जो हमारी टर्म्स हैं, क्यूशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड एंड डिवीजर,
आई टेल यू हेयर द फोर टाइम्स आर चॉकलेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड सो अवर क्वेश्चन इज फोर हेयर. Now we discuss about the important terms that is used in the division. Okay, our first is dividend. What is dividend? The number to be divided is called dividend. बच्चे से हमें क्या पता चला? जिस number को हम divide कर रहे हैं वो क्या होगा? Dividend, the number to be divided. जिस number को हम divide कर रहे हैं. And divisor, the number by which division is made. जिस number से division हो रही है is called divisor. Let's take an example. So here I take 32 is divided by 4. 32 is divided by 4. Okay. So here 32 is the dividend. 32 is the dividend. The number to be divided is called dividend and number by which division is made. Division is made by 4. So 4 is the divisor. So here let's start our division here. We firstly recite the table of 4. So here 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32. So bachi ye kya ho gaya 30, 2 4 eights are 30. 2 minus 2, 0, 3 minus 3, 0. Okay, so our next term is quotient. The number of times the divisor is contained in the dividend is called quotient. बच्चे हम इस example के according करते हैं. देखिए हमने क्या किया, 4 8s are 32. जो ये हमारा 8 होगा, ये 8 क्या है? Quotient है. 8 क्या है हमारा? Quotient है. But according to definition, the number of times the divisor is contained in the dividend. इसका means ये है बच्चे, जो dividend, देखिए अगर हम इन दोनों की multiplication करेंगे, हम divisor और quotient की, तो क्या आएगा? 4 8s are 32. It means 32 क्या है? 4 times of 8. Okay? 4 times of 8, that is 32. So 8 is the quotient, the number of times the divisor is contained in the dividend is the quotient. So here the quotient is 8. Okay, then our next is remainder. Remainder is the number which is left over. Left over when the divisor does not divide the dividend completely. बच्चे remainder वो है जो divide करने पे, या तो which is left over है when the divisor does not divide, या तो divide complete ना हो जो remainder बचेगा. okay, अब देखिए यहाँ पर total divide पूरा complete divide हो रहा है. 4 8s are 32, 2 minus 2 0, 3 minus 3 0. तो यहाँ पर remainder क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. remainder क्या है? 0. अब देखिए आई टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज 22 एंड 22 इज डिवाइडेड बाय 4. 22 इज डिवाइडेड बाय 4. अब देखिए 22 को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कैसे जाएगा? 4 फाइव जा 20. 4 फाइव जा 20. अब हम नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसे माइनस करते हैं. 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0. तो बच्चे अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारी टर्म्स, जो 22 है वो क्या है? Dividend, 4 is our divisor and 5 is our quotient and 2 is our remainder. Then remainder which is a leftover. बच्चे ये बच गया ना leftover when the divisor does not divide completely. जब divide complete नहीं हो रही हो और बच जाए number तो वो क्या होगा? Remainder होगा. Let's take some examples. So our first example is 48 is divided by 2. 48 को डिवाइड करना है 2 से. So 48 is our dividend and 2 is our divisor. So let's start our division. 48 is divided by 2. तो सबसे पहले हम first number पे focus करेंगे. देखिए 2 twos are 4. So we write here 2, 2 twos are 4. Then our next step is to minus. 4 minus 4 that is 0 and then a carry 8. बेटा जो next number होता है 1 by 1 carry करेंगे, then we carry 8 here. So देखिए 2 को recite करेंगे 4 8 तक, 2 4s are
8. वी राइट हेयर 4. 2 4 जा 8. ओके, देन 8 माइनस 8 दैट इज 0. सो बच्चे अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया वो क्या है, 24. अब हम लास्ट में क्या हमारा अपना रिजल्ट लिखेंगे, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 24 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 व्हेन वी डिवाइडेड 48 बाय 2. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन एंड इट्स पार्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.